हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको चार्जेस वहाँ पे बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन का रियल मोटिव क्या है, असली मकसद क्या है, असली इरादा क्या है। मतलब क्यों इतना वेटिंग हो रहा है, क्यों, मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना पुश एंड पुल क्यों है, क्यों आपकी तरफ आ नहीं रहे कम्प्लीटली, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, क्या हो रहा है बेसिकली। इस पर्सन का बेसिकली देखना चाहते हैं, इनका इरादा देखने चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बेसिकली लाइफ में अभी जो कुछ भी कर रहा है बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखो इसमें दिख रहा है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी ये पर्सन की लाइफ में बेसिकली बैलेंस है नहीं है, बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है उसके लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है यार कुछ डिसबैलेंस है, या तो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत डिसबैलेंस है, या पेरेंट्स के साथ में डिसबैलेंस है, या मनी फैक्टर कुछ इनका फाइनेंशियल इशू है, जॉब इशू प्रॉपर से नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही, तो उसको पहले एक्चुअली बैलेंस करने में लग रहे हैं। ये पहले इनका बेसिक चल रहा है लाइफ में, लेकिन आपके प्रति इनका क्या है चल रहा है एक्चुअली देखना चाहिए। इनका डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस बेसिकली चालू है। डेथ एंड रीबर्थ कभी भी क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है और बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, इसमें एक ही झटके में इंसान नहीं निकल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ किसी का साल दो साल भी हो सकता है, किसी का तीन चार साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंसान एक बहुत बैड फेज से, मतलब उनकी जो लाइफ में जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ ख़त्म होना, फिर उसके बाद में नई चीज़ शुरुआत होना। तो ऐसे हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है या जो कुछ भी है, पहले इनका मेन मोटिव क्या है, जो ये टॉक्सिसिटी की वजह डेविल एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की वजह से आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए होंगे, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो वो एक या फिर नेगेटिव एनर्जी या लस्ट हो सकता है, या मनी फैक्टर हो सकता है, या फिर उन पर किसी ने कुछ करवा दिया उसकी वजह से थर्ड पार्टी में चले गए हो, क्योंकि नेगेटिव डेविल है, डेविल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान यहाँ पे देखो कठपुतली जैसे बना हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि शायद ये इतने थर्ड पार्टी सिचुएशंस में क्यों चले गए, ये अपनी एनालाइजिंग कर रहे हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस है तो इंसान सब चीज़ के बारे में सोचता तो है ही ना, क्योंकि वो सब चीज़ से उनकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है कि वो वही सेम पैटर्न बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं लाइफ में, तो इंसान सोचेगा तो सही ना। मतलब एक कॉन्शियस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चालू होती है ना, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एक रेज होने लग जाती है, आपको सपोज गुस्सा भी आ रहा है तो आपको रियलाइज़ होने लग जाता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि मुझे इस तरह से बात करना चाहिए। कि आप स्नैप करते हो बार बार, किसी को आदत हो गई हर चीज़ में स्नैप करते हैं, मतलब हर चीज़ में ऐसे जैसे झड़ाका, जैसे बोलते हैं ना झड़ाका लेना, कि हर चीज़ में कुछ बोलते ऐसे चिड़चिड़ के बोलते हैं, तो वो उनको स्नैपिंग की आदत हो जाती है, तो वो उनकी रेज कॉन्शियसनेस रेज होती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या उनको बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है, या ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में बार बार जा रहे हैं, या कुछ ना बैड बिहेव कर रहे हैं, तो ये पर्सन की बेसिकली भी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है आपको लेके भी और थर्ड पार्टी को लेके भी। अब इनके इरादे एक्चुअली देखा जाए तो क्या है आपके लिए बेसिकली, हमको वो जानना है। अभी है कि आपको पता है इनको कि आपका इन्होंने बहुत दिल दुखाया है, इनका भी बहुत दिल दुख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दुख रहा है, लेकिन इनको ये चीज़ एक समझ में आ रही है आपको लेके कि इन्होंने आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन दी है, बहुत ज़्यादा पेन है, और इतना पेन आप ही ले सकते हो, कोई और इतना पेन ले नहीं सकता। ये चीज़ इस इंसान को बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, ऐसे बोल सकते हो बहुत, और आपने बहुत मेहनत की है, ये चीज़ भी आपको बोल सकते हो। तो आपके लिए इन्हें पता है कि इंसान ने बहुत मेहनत की है इस यहाँ से लेके यहाँ पे आने के लिए, और एकदम एज पे आप आ चुके हो अभी, आप इससे ज़्यादा इनका मतलब समझो इतना इससे ज़्यादा आप इनको टॉलरेट नहीं करोगे, ये चीज़ भी पर्सन को समझ में आ रही है। बल्ब लेके घूम रहे हैं अपने साथ में, लेकिन वो बल्ब का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो, ये इनकी कॉन्शियसनेस है जो बल्ब है, ये इनकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, तो इनको समझ में आ रहा है आपके प्रति कि हो सकता है पहले पास्ट में इतनी ज़्यादा इनको कॉन्शियसनेस नहीं थी आपको लेके, या इतने ज़्यादा आपको लेके उनको नहीं समझ में आता था कि ये पर्सन इतना मेरे पीछे क्यों है, या इतना मुझे चेज़ क्यों कर रहा है, या इतना लव क्यों करता है, लेकिन अभी मुझे इनकी कॉन्शियसनेस आपको लेके काफ़ी रेज हो रही है। मतलब इनके इरादे अगर डालना चाहे आपके लिए, तो अभी इनको आपके दर्द समझ में आ रहा है, तो इनको अपनी गलतियाँ बेसिकली आपको देख के समझ आ रही, तो इसलिए इनका इरादा एकदम ख़राब नहीं हो सकता है। पास्ट में पहले आपको बहुत लाइटली ले रहे हो, या आपको क्योंकि उनके ऊपर डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से ये क्या पर्सन आपको पास्ट में इतना सीरियसली ले नहीं पा रहे थे,
मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उसकी वजह से आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी शायद खुद एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं तो इनको आपकी इंपॉर्टेंस समझने आ रही है। तो आपके लिए ऐसा बोल सकते हो कि आपके लिए इरादे इनके ख़राब नहीं है ऐसे कि आपको बेसिकली इतना हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद वो जाने अनजाने में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या जो भी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट कर दिया। तो इनको ये कि इंसान को ना इंसान कर देता है वो काम उसके बाद में, अभी उसको रियलाइजेशन अभी हुआ इतने साल के बाद में, तो वो इंसान को भी थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि मैं क्या कर रहा था या कर रही थी, मैं इस पर्सन के साथ में किस तरह से डील कर रहा था कर रही थी। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बेसिकली अभी समझ में आ रही है, बहुत मतलब बहुत टाइम गुजर गया ऐसे बोल सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको बहुत टाइम लगा, तो ये पर्सन ने भी इतना टाइम वहाँ पे इन्होंने भी तो क्रॉस किया ही है ना, ऐसा नहीं कि नहीं क्रॉस किया है। तो ऐसे बोल सकते हैं भी आपके लिए इनको ये फीलिंग आपकी थोड़ी इनकी समझने ज़्यादा आ रही है आपके लिए कॉन्शियसनेस ज़्यादा रेज हो रही है, तो आपके लिए वो जो लव वो पहले इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते थे अभी वो फील कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। इनको एनवी का प्रॉब्लम बहुत है, जेलसी का प्रॉब्लम बहुत है इन पर्सन को, ये आपको किसी और के साथ में देखते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको ये समझ में नहीं आता कि आपको देख के किसी और के साथ में जेलस फील क्यों करते हैं। इमेजिन इनको लगता था कि पता नहीं ये पर्सन से इतना अटैचमेंट क्यों नहीं छूटता, इतने ये किसी और के साथ में होते हैं होती है तो मुझे इतनी अच्छा क्यों नहीं लगता, इतनी जेलसी फील क्यों होती है। तो ये पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि ये मेरा डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है आपके लिए, एक बोलते इरादा आपके लिए अच्छा है बेसिकली, मतलब इनका वो जो हमेशा से इनकी है ना अनकॉन्शियस माइंड में आप थे या सबकॉन्शियस माइंड में आप हमेशा थे, लेकिन इनकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं थी आपके लिए उस तरह से, वो क्या हमेशा डामाडोल रहते थे क्या करूँ नहीं करूँ आपको लेके, करना है नहीं करना है था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे थे आपसे भाग रहे थे, इंटेंस फीलिंग आपकी लव फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस थी इसकी वजह से भी भाग रहे थे ये पर्सन, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतनी इंटेंस फीलिंग ये हैंडल नहीं कर पाएंगे या आप बहुत डिफरेंट थे उनसे, ये सब वजह से आपके पर्सन बहुत दूर भाग रहे थे। लेकिन अभी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये पर्सन मतलब आपके लिए इनका इरादा अच्छा है और डोर टू पर्सनल हीलिंग है हैप्पीनेस ही आपके लिए अपना, आपको पर्सनल हीलिंग का तो समझते ही है कि आप इनको बहुत हीलिंग एनर्जीज देते हो और आप इनको बहुत हैप्पीनेस देते हो, आप उनका वो डोर टू हैप्पीनेस हो, तो आपके लिए भी वो डोर वो ओपन करना चाहते हैं बेसिकली। कि अभी पर्सन का क्या फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल इनका क्या एक्टिवेट हो रहा है, शायद आप लोगों का भी काफ़ी लोगों का आर्क एंजल रूट चक्रा आप लोगों का एक्टिवेट हुआ होगा। रूट चक्रा कभी भी गणेश जी उनके है ना भगवान होते हैं, आपको रूट चक्रा के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, रूट चक्रा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूट चक्रा आपका स्ट्रांग है तो आपको फियर इतने नहीं आएंगे, आपको है ना डिप्रेशन नहीं आएगा, आपको इतनी ज़्यादा जेलसी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि रूट चक्रा सबसे बेस इंपॉर्टेंट चक्रा होता है। कभी भी बोलते हैं गणेश जी की पहले पूजा करनी चाहिए, वैसे ही रूट चक्रा सबसे पहले एक्टिवेट करना चाहिए लाया, तो आपका रूट चक्रा अगर एक्टिवेटेड है तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और आपके चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं। तो आपके पर्सन का पहले बेसिक चक्रा ही रूट चक्रा ही बहुत ज़्यादा वो क्या वीक था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक थे ये पर्सन, ग्राउंडेड नहीं थे बहुत ज़्यादा है ना, मनी फैक्टर या स्टेटस ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते थे इनको ना, मतलब पार्टनर्स मल्टीपल पार्टनर्स भी इन्होंने चेंज किए होंगे पास्ट में, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते अगर मेल है तो, फीमेल का मैं नहीं बोल सकती हूँ लेकिन मेल का मैं बोल सकती हूँ, और फीमेल्स भी ऐसे हो सकती है कि उनको ऐसे लग रहा था कि वो डाउन डाउन हो जाती थी हमेशा की कौन से पार्टनर को चूज़ करूँ, ये राइट है नहीं रहे, ये मुझे सुख देगा कि नहीं देगा, मटेरियलिस्टिक सपोर्ट दे मुझे इसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब एक एक आरामदायक ज़िंदगी बगैर कुछ मेहनत किए ये पर्सन चाहता था। लेकिन उनको पता नहीं है कि रूट चक्र एक्टिवेट मतलब इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है, हार्ड वर्क इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लक, ये चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन वो पर्सन का भी रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो इनकी एनवियस फीलिंग में जो आपके जेलसी है वो इनको समझ में आ रही, क्योंकि इनका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है तो इनको समझ में आ रहा है कि मैं जेलसी क्यों फील कर रहा हूँ, ये पर्सन के लिए इतना लव फील क्यों करता हूँ। तो वो एक आपके लिए इरादा अच्छा है, एक आपके लिए ख़राब इरादा नहीं अच्छा है, ये आप बोल सकते हो। अब ये क्या पर्सन ये आप एक गॉसिपिंग मुझे लगता है कि आपके बारे में इनके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है भी लोगों के बीच में, या तो आपके पर्सन के बारे में बहुत गॉसिपिंग हो रही है या आपके बारे में बहुत गॉसिपिंग हो रही है, कुछ ना कुछ गॉसिप मुझे ऐसे लग रहा है कि चल रहा है बेसिकली। और ये सर्विस का कार्ड भी आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस पीरियड में, आई डोंट नो, लेकिन किसी का ना किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, या तो आपके पर्सन या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है या आपके घर में किसी की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है मुझे ऐसे लग रहा है। और रिजेक्शन का कार्ड आ रहा है, इनको पता है कि इन्होंने दूसरों लोगों की बहुत सुनी अपने मतलब आपको रिजेक्ट करने के लिए, चाहे फैमिली वालों की सुने हो या फ्रेंड्स की सुनो या अपने ईगो की वजह से आपको रिजेक्ट किया, इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन किया वो राइट नहीं था, लेकिन आप उनकी लाइफ में एक
मिराकल की तरह आए थे, मतलब एक मिराकल होता है ना तभी आप इनकी लाइफ में आए थे, इतना लव इन्होंने फील किया आपके साथ में, और एक मिराकल होने वाला भी है कि रिजेक्शन इन्होंने जो फेस किया ये मिराकल आपको रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका रिजेक्शन आपको इन्होंने किया वो गलत किया, ये भी एक मिराकल है क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं पर्सन बेसिकली। तो इनको इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको उस वक्त शायद इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, तो इम्पेशेंटली बिहेव करके इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए था आपकी तरफ। तो ये एक मिराकल ही है कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनको ये एक्चुअली इनको लग रहा था कि आप एक मून हो जो ना उनको हासिल नहीं होने वाला है, समझ रहे हो, उस तरह से आपको समझ के शायद दूर चले गए, क्या एक इल्यूजन है ऐसे सोच के चले गए, लेकिन बहुत इम्पेशेंटली इन्होंने उस वक्त काम लिया, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, लेकिन अभी ये पेशेंटली काम करेंगे क्योंकि इनका इम्पेशेंस जाएगा कि मिराकल कार्ड आ रहा है साथ में। तो ये जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है इनको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा, उनको अपना सोचने का तरीका समझने का तरीका इस बेसिकली चेंज करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि इनका रूट चक्र का कार्ड आ रहा है ना, तो इनको समझ में आ रहा है बेसिकली। देखो इनके दिमाग में आपके लिए नेक इरादे ही है, मैरिज डेफिनेटली आपके घर में सोचते भी है मैरिज के लिए, ऐसा नहीं कि मैरिज के लिए नहीं सोचता ये पर्सन ये सोचती, लेकिन मैरिज डेफिनेटली आपको मैरिज मटेरियल समझते, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, लेकिन इनकी खुद के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं या चोरी है या कुछ ना कुछ इनका बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके जो जैसे बोलते हैं ना वो इनको पता है, इसकी वजह से ही आपसे दूर हो गए थे बेसिकली, इनकी खुद की ही कमियों की वजह से। कभी कभी इंसान क्या होता है, हमको लगता है कि आपको लगता है कि मेरी कमी की वजह से चले गए या मेरे में ये चीज़ कमी थी या वो कमी थी, एक्चुअली ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपनी कमियों की वजह से, अब इनके मन में चोर था इसीलिए ये भाग गए थे ये पर्सन, जो भी मेल या फीमेल जो भी है, लेकिन डेफिनेटली अभी इनको समझ में आ रहा है आपके लिए कि आप एक गिफ्ट थे, एक मिरेकल थे इनकी लाइफ में, बार बार बोल रही हूँ। तो ये वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी सोच में, जर्नी में, या सपोज ट्रैवलिंग कर रहे हैं काम की वजह से या घर में या कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी मिसिंग एनर्जी आ रही है, और इसमें दो कार्ड खुले हैं, गिफ्ट और ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा अच्छा नसीब था या नसीब है, इसलिए ये पर्सन मेरी लाइफ में गिफ्ट जैसे आया जिसे मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं सकी, ऐसे बोल सकती हो। तो ये चीज़ आपके पसंद को समझ आएगा, लेकिन इनकी कुछ चोरियाँ हैं, इनके कुछ सीक्रेट्स हैं, अभी भी मैं बोलती हूँ वो जो आपके सामने आएंगे पूरी कम्प्लीटली इनके आपके सामने, कि इन्होंने मतलब किस वजह से आपसे बेसिकली अपनी ही कमी की वजह से चले गए थे बेसिकली, ऐसे बोलेंगे। तो हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।